एक दुखद खबर लेके हाजिर हूँ। जहानार इकराम, दो लोगों की जान चली गई है आग लगने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वीएम न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान सुहीर खतीब। ज़िला डोडा के अरनोड़ा घाट में जो टनआरआर का आर्मी कैंप है, वहाँ पर रात के 3 और 4 बजे के आसपास आग लगने की वजह से दो लोगों की जान चली गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जो दो लोग थे वो वहाँ पर टेलर का काम करते थे, जो कि एक ज़िला सांबा के रहने वाले थे और एक ज़िला कठुआ के रहने वाले थे। मैं उनका नाम बताने की कोशिश करूंगा, और उससे पहले मैं आप सबको बताने की कोशिश करूंगा, पुलिस जो है मौके पर गई है कि किस कारणों से वहां पर आग लगी है। अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही वो रिपोर्ट आती है तो हम आपके साथ साझा करेंगे कि किस वजह से आग लगी और उसके बाद दो लोगों की जान चली गई है। मैं उन शख्सों का नाम बताने की कोशिश करूंगा कि जो ज़िला सांबा के रहने वाले हैं और ज़िला कठुआ के रहने वाले हैं, कि वो जो टेलर का वहाँ पर काम करते थे। पुरुषोत्तम लाल सोनाफ बाजूलाल, जो कि सांबा के रहने वाले थे, और जो दूसरे शख्स जो कठुआ के रहने वाले हैं, सोमराज सोनाफ लाला, जो कि कठुआ के रहने वाले थे। मिली जानकारी के मुताबिक कि ये टेलर का वहाँ पर काम करते थे। ऑफिशियली अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है आप सबको हम शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, जो पिछली रात, यानी कि जो पिछली रात थी, उसी रात में ये वाकया पेश आया है 3 और 4 बजे के आसपास। किन कारणों से आग लगी है अभी तक मालूम नहीं, लेकिन जैसे ऑफिशियली कोई रिपोर्ट आती है तो हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।